वैसे ये दर्शक बहुत बार सुन चुके हैं मैंने, वो एक वेडिंग में गया तो वहाँ गाया था ये गाना मैंने। अब म्यूजिक के साथ सुनोगे तो ज्यादा बेहतर है ना। दाऊद इब्राहिम के जो नेफ्यू है वो मेरे फैन है, वो मुझसे प्यार करते हैं। उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि मेरी शादी में कोई आए ना आए, एजाज भाई आपको जरूर आना है। हमने कहा ठीक है भाई, तुम थोड़ी ना दाऊद इब्राहिम हो, हम तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। तो हम गए उनकी शादी में और हमने गाना वहाँ गा दिया तो सारे ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा था ये गाना, ABP से लेके सारे BP। तो हमने वहाँ ये गाना गा दिया और ये गाना मतलब हमने गाया भी ऐसी जगह पे कि वहाँ पे सारे डॉन लोग, सारे भाई लोग बैठे थे, सब तालियां बजा रहे। हमने कहा भाई ये गाने में कुछ तो बात है, ये लोग पागल हो गए। उसके लिए भी लोग हमें कहते हैं कि तुम एक टेररिस्ट, एक माफिया, उनकी शादी में गए। हमने कहा भाई हम दाऊद इब्राहिम की शादी में थोड़ी गए थे भाई। देखो हम हिंदुस्तान में इस तरह से जज करते ना लोगों को यार, वो थोड़ी ना, वो तो एक बिजनेसमैन है, उसके मामा ने कुछ किया है, उसमें उसका क्या लेना देना है। और वो हमारा फैन है, अगर दाऊद भाई हमारे फैन होते तो हम उनसे भी मिल लेते हैं। ऐसा थोड़ी है, अगर हमें कोई प्यार करेगा हम उसे प्यार देंगे, चाहे वो कोई भी हो, फैन तो फैन होता है यार। गाने के बोल और हम बता देते हैं। कॉलर पकड़ झटका दे, कान के नीचे फटका दे, और ले को पूछे में अटका दे, दो चार को तू टपका दे, फिर कोई तुझसे पंगा ना लेगा, जिससे डरे तू वो तुझसे डरेगा, मच मच क्यों करता है जितना समझता है, दुनिया नहीं इतनी भोली दे गोली, ढिचाओ ढिचाओ ढिचाओ। क्या बोलता है, मिका से तो अच्छा गाता हूँ ना। डायरेक्शन के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा इनके ऊपर, लाइक म्यूजिक को लेके? एक्चुअली म्यूजिक को लेके इतना मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कंपोजिशन वाइज जो स्टाइल था वो काफी बनाया हुआ ही था। मुझे साउंड में करना पड़ा काफी मेहनत, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी म्यूजिकली लाना, लिरिकली तो बहुत ही बेहतरीन है, तो म्यूजिकली लाना बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग है, तो उसको आपने अप्रोच कैसे किया? नहीं हम एक गाना और साथ में कर रहे हैं जिसमें हम इनके साथ जुड़े, बहुत अच्छा गाना है ये, और हमारे बहुत ही अरफात भाई हमारे बहुत प्यारे, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने लिखे हुए हैं, अभी उनको अवार्ड भी मिला है, जिनका एक सबसे अच्छा गाना हमें वो लगता है, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला के लेके गलत मैं पता निकला। मैंने कहा एकदम सही बात कही है तुमने भाई। तो वो गाना हम लोग कर रहे थे, उसमें बीच में हम ये, तो इन्होंने कहा भाई इसमें जब तक हरजीत जी डेट देते हैं मिल ही नहीं रहे, आजकल डायरेक्टर बन गए, अल्लाह तुम्हारा भला करे हरजीत, कहाँ हो तुम, इतना अच्छा गाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नहीं हमने कहा हम उनके घर से जाके उठा लाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भाई ऐसे मत करो, कभी हमारे गाने नहीं गाएंगे वो, तो तुम बुला लेना, तुम गवा लेना। लेकिन इनकी कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि भाई करो, हमने कहा ठीक है हम कर देंगे, और आज यहाँ बैठे आपके सामने। हम सिंगर नहीं है, हम कोई सोनू निगम नहीं है, हम एजाज है, और हम गाएंगे जितना हमसे गा सके हम, और ये उस तरीके से गाएंगे जिस तरीके से हम गाते हैं। ये बना भी इनकी स्टाइल से ही है, जैसे कि इनका स्टाइल है। तो आपने डायरेक्शन के लिए कितना मेहनत किया है इस गाने के लिए, कि किस तरह से इनको डायरेक्शन के लिए लेना है, क्योंकि इनका फोटे भी उसी तरह से है थोड़ा कि वो गाने में ढल जाएंगे, तो आपका कितना मेहनत? पहले तो एक्टर ये, बाद में पहले तो अपने भाई हैं, तो हम लोग ऑलरेडी है तुझे सलाम इंडिया मैं इनके साथ कर रहा था, तो उसी टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों का कन्वर्सेशन होता था, तो इस टाइम पे इन्होंने लाइव किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने बोला ये गाना अपन करते हैं वीडियो बनाते हैं, तो इससे मैंने म्यूज़िक के लिए बात किया, क्योंकि इससे पहले मेरा गाना एक सेटिंग चल रहा था इसके साथ, तो मैंने ये गाने को प्रोग्राम किया, फिर सारी चीज़ें हम लोग अरेंज किया, एंड देन आज फाइनली रिकॉर्डिंग भी करेंगे और शूट भी करेंगे। ये आदमी से बचो, वैसे आने वाले फ्यूचर का बहुत अच्छा डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर है ये।